नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? आप लोग पढ़ोगे? चलिए पढ़ेंगे, अच्छे बच्चे हैं सभी। तो हम लोग पार्ट पांच पढ़ लिए ना। आज हम लोग क्या करेंगे, पार्ट पांच का प्रश्नोत्तर, ठीक ना, उसकी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, टेक्स्ट बुक लोगे, है ना। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 यानी पृष्ठ संख्या 32, पृष्ठ संख्या 32, ठीक ना। चल, अच्छी बात है। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ, यहाँ शब्दार्थ लिखे, सबसे पहले शब्दार्थ की जानकारी लेंगे, शब्दार्थ को किस तरह से लिखना है। तो फर्स्ट लैंग्वेज के बच्चे हैं यानी प्रथम भाषा हिंदी, ठीक ना। तो फर्स्ट लैंग्वेज के बच्चों को हिंदी में लिखना रहता है, इंग्लिश में नहीं लिखना रहता है। केवल आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे दिया गया है, जानकारी के लिए यहाँ पे दिया गया है कि आप लोग अभी छोटे बच्चे, आप लोग को समझ नहीं आएगा, इसलिए दिया गया है। लेकिन आप जब बड़े क्लास में जाओगे तो वहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद से समझना है, ठीक ना। चलिए सबसे पहला यहाँ पे वर्ड क्या है, संदेश। संदेश यानी खबर, सूचना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैसेज। अब देखिए यहाँ पे दिया गया संदेश, हमें किसी को खबर देना है, किसी को सूचित करना है, उसी को क्या बोलते हैं, संदेश, ठीक ना। दूसरा है आपका इकट्ठा, इकट्ठा यानी सब सामान को एक जगह जमा करना, इकट्ठा यानी सारे सामान को एक जगह जमा के रखना। जैसे कि अब छोटे बच्चे को खिलौना इधर उधर फेंका हुआ है, ठीक ना, मम्मी कहेगी सबको एक जगह जमा के रख दो, तुम क्या करोगे, उसको सबको एक जगह पहले जमा करोगे, फिर उसको सही जगह पे उसको रख दोगे, है ना। तो इकट्ठा यानी जमा करना, कलेक्ट। फिर है मदद, मदद यानी हेल्प, यानी किसी की सहायता करना। मान लीजिए कोई गिर गया, उसको हमने उठाया, तो क्या हुआ, मदद करना। फिर है गुजर रही यानी पास से जा रही, गुजर रही यानी हमारे करीब से कोई जा रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, वो वहां से गुजर रहा। मान लीजिए स्कूल के सामने से जा रहा था, क्या कहेंगे, अरे वो तो मेरे विद्यालय के सामने से गुजर रही थी, जा रही थी, उसके पास से जा रही थी। फिर है बाल पत्रिका, बच्चों के लिए पत्रिका, पत्रिका यानी मैगजीन। तो छोटे बच्चों के लिए, आप बच्चों के लिए पत्रिका छपती है, उसमें कहानी रहेगा, उसमें पजल्स रहता है, कुछ भी इस तरह का रहता है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उसको अच्छे से पढ़ते हैं, फिर पजल करते, कुछ भी उसमें बहुत कुछ रहता है, खेलने के लिए गेम्स भी रहता है, इसलिए बहुत बच्चे उस मैगजीन को खरीदते हैं, यानी उस बाल पत्रिका को खरीदते हैं। उसमें छोटी छोटी सी कहानी लिखी हुई रहती है, छोटे छोटे से पोएम रहते हैं, यानी कविता लिखी हुई रहती है, गाना लिखा हुआ रहता है, तो अच्छा लगता है, इसलिए बच्चे उसे लेते हैं और इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। अब आगे है जीवन यानी जिंदगी, जीवन यानी जिंदगी, लाइफ। फिर है कीमत, कीमत यानी मूल्य, मोल, मूल्य, दाम, प्राइस। अनोखे यानी अद्भुत, अनोखे यानी अद्भुत, वंडरफुल, अद्भुत, आश्चर्यजनक, कहते ना बहुत ही अजीब था, अनोखा था, कुछ नया। फिर है ढंग यानी तरीका, ढंग यानी तरीका। फिर है कीमती यानी बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो, बहुमूल्य, बहुत ही कीमती। अब मान लीजिए कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको कि आपको, मान लीजिए कि आपके डैडी आपको कुछ गिफ्ट ला के दिए, ठीक है, तो कुछ बच्चे खेले, टूट गया, फेंक दिए, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते कहते ये मेरे लिए बहुत ही अनमोल है, ठीक ना, और उसको सहेज कर रख देते, संभाल कर रख देते हैं, कहते नहीं ये मेरे डैडी ने दिया है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, मैं इसे संभाल कर रखूंगा अपनी पूरी जिंदगी भर, और जब भी इसे देखूं तो मुझे यह लगे कि मेरे पापा ने मुझे यह गिफ्ट दिया है, ठीक ना। तो वो क्या हो गया, अमूल्य, उसके लिए वो बहुमूल्य हो गया, अनमोल हो गया, कीमती हो गया। कोशिश यानी प्रयास, कोशिश यानी प्रयास,
हम लोग हमेशा कहते हैं आप लोग कोशिश करोगे तो आप पढ़ सकते हो, आप कोशिश करोगे तो आप हर काम कर सकते हो, यानी प्रयास करोगे तो आप हर काम कर सकते हो। फिर है पुरस्कार यानी इनाम, पुरस्कार यानी इनाम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अभ्यास यानी एक्सरसाइज। सबसे पहले है श्रुत लेख, डिक्टेशन, जो भी कुछ कठिन शब्द ऐसा रहता है जो कि टीचर डिक्टेट करते हैं और आपको लिखना रहता है, उसी को श्रुत लेख, उसी को देख के सुंदर लिखावट में फिर से लिखना। उसमें क्या दिया हुआ है, रिमझिम। फिर है बारिश। फिर क्या है, कागज। फिर क्या है, नावें। फिर क्या है, संदेश, पत्रिका, इकट्ठा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। ठीक ना, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर इसमें अब क्या दिया गया है कि एक एक प्रश्न का जवाब देना है। वो आप लोग, मैं अभी बता रही हूँ, ध्यान से सुनोगे। अगर आपके हाथ में पेंसिल है आपकी मर्जी, आप लिख भी सकते हो, नहीं तो हम लोग बाद में क्लास में भेजेंगे। ठीक ना, अब यहाँ क्या है, भारी बारिश में अमन क्या कर रहा था। भारी बारिश में अमन नाव बना रहा था, कागज की नाव बना रहा था। क्या कर रहा था, कागज की नाव बना रहा था। वरुण किसे ढूंढने निकला, तो वरुण अपने छोटे भाई अमन को ढूंढने निकला। फिर है अमन कागज की नाव पर संदेश क्यों लिख रहा था। अमन कागज की नाव पर संदेश इसलिए लिख रहा था कि सभी लोग पानी का मोल जान सके। फिर है दोनों बच्चे खुशी से क्यों उछल पड़े, क्योंकि उन्हें पुरस्कार मिलने वाला था, इसलिए दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। उन्हें पुरस्कार मिलने वाला था इसलिए दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, सही या गलत का निशान। ठीक ना, सही या गलत का निशान। अब इसमें क्या है, सबसे पहले वरुण कौन था, वरुण कौन था। सबसे पहला है अमन का मित्र, अमन का बड़ा भाई। अमन का पिता कौन था, अमन का बड़ा भाई, उसको आप लोग टिक करके रखोगे। ठीक है, हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते। अमन कागज से क्या बना रहा था, खिलौने, नावें, चिड़िया। क्या बना रहा था, नावें। फिर नन्हे अमन ने क्या समझ लिया था। सबसे पहला है बारिश का पानी बचाना चाहिए, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ नहीं करना चाहिए। नन्हे अमन ने क्या समझ लिया था, बारिश का पानी बचाना चाहिए, या पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, या कुछ नहीं करना। तो पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सही वाक्य के सामने सही का, और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान। सही, सही या गलत का निशान। ठीक ना, सही या गलत का निशान। अब इसमें क्या है, जुलाई का महीना था, सही या गलत, सही। फिर है वरुण अमन का छोटा भाई था, नहीं गलत। वरुण अमन का बड़ा भाई था ना, हाँ, और यहाँ क्या लिखा है, छोटा भाई, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अमन पानी में कागज की नावें बनाकर छोड़ रहा था, हाँ, इसको हम लोग सही का निशान लगाएंगे।
गलत, दोनों भाइयों की तारीफ की ना। हाँ, अब है कागज की नाव पर अनोखे संदेश लिखे थे। हाँ, कागज की नाव पर अनोखे संदेश लिखे हुए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है? खाली जगह भरिए। खाली जगह, जगह जगह भरिए। अब इसमें क्या है बच्चों? खाली जगह में अब यहाँ पे दिया गया है रिमझिम डैश बरस रहा था, रिमझिम पानी बरस रहा था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फर्स्ट में पानी, क्या हो जाएगा? पानी। सेकंड, हर तरफ पानी ही पानी डैश गया था, भर गया था। हर तरफ पानी ही पानी भर गया था। भर, भर। फिर है अमन पानी में कागज की डैश बनाकर छोड़ रहा था। कागज की क्या बनाया था? नावें। कागज की नावें। वो एक अमन जो था वो एक नाव नहीं बनाया, बहुत सारी नाव बनाया था, इसलिए यहाँ पर नाव नहीं लिख करके नावे लिखा हुआ है, ठीक ना। वरुण ने भी डैश लिखने में मदद की, वरुण ने भी संदेश लिखने में मदद की। संदेश, संदेश लिखने में मदद की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाषा कौशल। इसमें क्या दिया गया है? पाठ में से छांटकर अनुस्वार तथा अनुनासिक वाले चार चार शब्द लिखिए। आप इसमें से ढूंढ ढूंढ के अनुस्वार यानी अंक की मात्रा और अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु की मात्रा वाले शब्द ढूंढ ढूंढ करके लिखिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है नावें, बूंद, तो आप उसे लिखिएगा। अब आपकी किताब में दिया हुआ है यहाँ, वो क्या हो जाएगा? अनुनासिक। वो क्या हो जाएगा? अनुनासिक। जैसे आपकी किताब में संदेश, वो क्या हो जाएगा? अनुस्वार। संदेश क्या हो जाएगा? अनुस्वार। फिर है माँ, माँ क्या हो जाएगा? अनुनासिक। माँ क्या हो जाएगा? अनुनासिक। पहुंचाए, वो क्या हो जाएगा? अनुनासिक। पहुंचाए क्या हो जाएगा? अनुनासिक। इसी तरह से आप ढूंढ ढूंढ करके लिखोगे। जैसे दिया हुआ है हिंदी, हिंदी क्या हो जाएगा? अनुस्वार। हिंदी क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समान अर्थ वाले शब्द से मिलाइए, समान अर्थ वाले शब्द से मिलाइए। अब आपको इससे पहले हम लोग इस फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि एक साइड हिंदी में लिखा हुआ है, एक साइड इंग्लिश में लिखा हुआ है, तब आप लोगों ने मिलाया। लेकिन यहाँ पर दोनों साइड हिंदी में ही है, तो आपको हिंदी का अर्थ हिंदी में ही समझना होगा, ना कि इंग्लिश में। अब आप लोग धीरे धीरे यहाँ हिंदी की किताब में इंग्लिश का सहारा लेना छोड़ दीजिए, यानी अंग्रेजी छोड़ना पड़ेगा वहाँ हिंदी की किताब को पढ़ने के लिए, ठीक ना। अब देखिए, जैसे बारिश, बारिश का क्या हो जाएगा? बरसात। बारिश का क्या हो जाएगा? बरसात। बच्चा का क्या हो जाएगा? बालक। बच्चा का क्या होगा? बालक। जल का क्या हो जाएगा? पानी। जल का क्या हो जाएगा? पानी। नाव का क्या है? नैया। नाव का क्या है? नैया। संदेश का क्या हो जाएगा? सूचना। संदेश का सूचना। अब हम लोग बढ़ते विलोम शब्द की तरफ, ठीक ना। विलोम शब्द यानी अपोजिट। विलोम शब्द, विलोम शब्द। अब इसमें दिया गया है बड़ा, बड़ा का क्या हो जाएगा? छोटा। वहां एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में आपको दिया हुआ है, उसी बॉक्स से ढूंढ ढूंढ कर आपको यहाँ लिखना है। पुराना का क्या हो जाएगा? नया। पुराना का क्या हो जाएगा? नया। प्यार का क्या हो जाएगा? नफरत, द्वेष, ईर्ष्या। फिर बाहर का? अंदर। बाहर का? अंदर। कीमती का? देखिए कीमती का लिखा हुआ है, जल्दी। हाँ, अब यहाँ पे रोना, रोना का क्या हो जाएगा?
एक बार फिर से बताना, बड़ा छोटा, पुराना नया, प्यार नफरत, बाहर अंदर, कीमती सस्ता, रोना हंसना, बांधना खोलना, पहला आखिरी, बैठा खड़ा, खुशी गम। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, वचन बदल कर लिखिए। लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के। पत्ता का क्या हो जाएगा? पत्ते। कहानी का कहानियां, कहानी का कहानियां। बच्चा का बच्चे, लड़की का लड़कियां, नाव का नावें, बूंद का बूंदे, फिर झंडा का झंडे। अब इसमें दिया हुआ है रचनात्मक गतिविधियां, क्रिएटिव एक्टिविटीज। इसमें क्या है, हमें किन किन कामों के लिए पानी की आवश्यकता होती है, किन किन कामों के लिए पानी की आवश्यकता होती है, किन्हीं तीन कामों के चित्र नीचे दिए स्थान पर चिपकाइए। हर चित्र के नीचे काम का नाम भी लिखिए। मान लीजिए यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है, अब इसमें आपको पानी से क्या काम करते हैं, मान लीजिए बर्तन साफ करते हैं, तो यहाँ पे आपको दो तीन बर्तन का चित्र बनाना पड़ेगा, फिर लिखना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई बच्चा स्नान कर रहा है तो वो आप लिख सकते हो, कोई कपड़े धो रही है वो लिख सकते हो, कोई पानी पी रहा है तो वो चित्र बना सकते हो। आपको चित्र यहाँ पे या तो बनाना है या फिर अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप उसे चिपका भी सकते हो। कोशिश कीजिए, अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप खुद से उसे बनाइए, और नीचे नाम भी लिखना है कि ये क्या काम कर रहा है, ठीक है। अब बर्तन साफ सफाई का काम कर रहा है यहाँ वो लिखना पड़ेगा, यहाँ मान लीजिए कि आपको कपड़े धोने का है तो यहाँ पे वो नाम लिखना है, यहाँ पे आपने पीने का लिखा है, खाना बनाने का लिखा है तो वो भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो आज आप लोगों का होमवर्क क्या है, इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा, एक बार नहीं तीन बार चार बार, ताकि आपको पढ़ने के लिए सही तरीके से आ सके, ठीक है। अब हम लोग अगली कक्षा में जब मिलेंगे तो अगले पाठ की तरफ बढ़ेंगे, और ये प्रश्नोत्तर आप लोगों को दे दिया जाएगा, तभी आप लोग लिखोगे, केवल कठिन शब्द लिख करके रखोगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं।